नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रेश्वर प्रसाद यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स स्कूल ऑफ साइंसेज, यूपी राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज। आज हम विश्वविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स यूजी पीएचएस 101N के कोर्स आईडी वेक्टर मैकेनिक्स एंड जनरल फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट वेक्टर एनालिसिस के अंतर्गत चर्चा करेंगे। वेक्टर एनालिसिस इंट्रोडक्शन। इन फिजिक्स देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सम क्वांटिटी पोजेस मैग्नीट्यूड ओनली, व्हाइल अदर क्वांटिटीज हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऑल मेजर फिजिकल क्वांटिटीज आर मेनली डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस सच एज स्केलर एंड वेक्टर। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी अबाउट वेक्टर एंड स्केलर रिप्रेजेंटेशन, देयर नोटेशन। फर्दर वी ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसर। वी ऑल्सो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, बारोम इंटीग्रल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू गॉस स्टोक्स एंड थ्योरम विथ स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर स्टडिंग द यूनिट वी विल एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, डिफाइन सम फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड स्केलर, डिफाइन ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर एंड स्केलर फील्ड, डिफाइन लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, स्टेटमेंट ऑफ गॉस स्टोक्स एंड ग्रीन थ्योरम। ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर स्टडिंग स्केलर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीट डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड ओनली एंड दैट इज नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस देम आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवेन एज मास इक्वल टू 60 kg, देयर इज नो डायरेक्शन वेयर नंबर इज 60 रिक्वायर्ड एंड यूनिट kg। सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज एज 80 km, 80 इज नंबर एंड किलोमीटर इज यूनिट, हेंस मास एंड डिस्टेंस आर स्केलर क्वांटिटीज। एंड अदर एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज, टाइम, स्पीड, डेंसिटी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, वर्क, पावर, एनर्जी एंड सो ऑन। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्केलर क्वांटिटी, देयर आर फॉलोइंग फीचर ऑफ स्केलर यूजिंग ऑपरेशन ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल, 10 kg प्लस 15 kg इक्वल टू 25 kg विल गिव्स जो कंपोजिट मास। सब्ट्रैक्शन 50 cm माइनस 30 cm इक्वल टू 20 cm टेम्परेचर डिफरेंस। मल्टीप्लिकेशन 20 m इंटू 5 m इक्वल टू 100 m² स्क्वायर गिव्स एंड अदर फिजिकल रन एरिया। डिवीजन 50 kg अपॉन 10 m³ विल गिव्स 5 kg³ एज डेंसिटी। स्केलर इज इनवेरिएंट अंडर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। वेक्टर क्वांटिटी, देयर आर मेनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, सच एज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डिस्टेंस। ए वेक्टर क्वांटिटी ओवेज द लॉ ऑफ एडिशन, ORR, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इन मेनी एप्लीकेशन, एक्शन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी एसोसिएटेड विथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओनली, इट इज फ्री टू हैव एनी पोजिशन इन स्पेस, सच टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। इन एन अदर एप्लीकेशन, शोइंग पोजिशन ऑफ वेक्टर इज एज इम्पॉर्टेंट एज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सच टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड फिक्स वेक्टर, ORR, लोकलाइज्ड वेक्टर। पोलर एंड एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर आर ट्रू वेक्टर, द वेक्टर क्वांटिटी व्हिच डायरेक्शन इज मेनली इंडिकेटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स। एक्सियल वेक्टर, ORR, पॉजिटिव वेक्टर, द क्वांटिटी दैट बिहेव्स लाइक ए वेक्टर इन मेनी सिचुएशन बट ट्रांसफॉर्म इन अदर वे, दैट इज रिमेन इनवेरिएंट अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। एग्जाम्पल, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसर, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर नाइदर स्केलर नॉट वेक्टर आर कॉल्ड टेंसर, दैट इज द टेंसर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज मल्टीपल डायरेक्शन। एग्जाम्पल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ससेबिलिटी, etc.
स्केलर हैज मैग्नीट्यूड विद जीरो डायरेक्शन हेंस टेंसर ऑफ रैंक वन. ए वेक्टर इज ए मैग्नीट्यूड एक्टिंग एलॉन्ग वन डायरेक्शन दैट इज टेंसर ऑफ रैंक वन. हेंस टेंसर आर मोर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. देयर आर टू वेज टू मल्टीप्लाई ए वेक्टर ए बाय वेक्टर बी दैट इज स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट. द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज रिटन एज ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट. टू वेक्टर ए एंड बी रिटन एज ए क्रॉस बी मैथमेटिकली ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा वेयर ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो व्हेन थीटा वेरी जीरो लेस आर इक्वल टू थीटा लेस आर इक्वल 90 डिग्री कॉस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव ए डॉट बी इक्वल टू पॉजिटिव व्हेन थीटा इक्वल टू वेरिएशन 90 डिग्री टू लेस देन 180 डिग्री कॉस थीटा इक्वल टू माइनस हेंस ए डॉट बी इक्वल टू नेगेटिव व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कॉस थीटा इक्वल टू जीरो हेंस ए डॉट बी इक्वल टू जीरो. स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज कम्यूटेटिव ला ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इक्वल टू वी ए कॉस थीटा हेंस ए डॉट बी इक्वल टू वी ए. थर्ड नंबर स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव ला ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा बी क्रॉस ए इक्वल टू ए बी साइन थीटा. ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए हैव सेम मैग्नीट्यूड बट देयर डायरेक्शन आर अपोजिट दैट इज ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेट थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी. थर्ड नंबर फाइव टू कोलिनियर वेक्टर ए एंड बी देयर फोर साइन थीटा इक्वल टू जीरो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इक्वल टू जीरो व्हिच गिव्स ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो दैट इज ए एंड बी आर कोलिनियर. एग्जाम्पल लेट फोर वेक्टर ए इक्वल टू माइनस आई प्लस फोर जे माइनस के बी इक्वल टू थ्री आई प्लस टू जे माइनस फाइव के सी इक्वल टू माइनस थ्री आई प्लस एट जे माइनस फाइव के डी इक्वल टू माइनस थ्री आई प्लस टू जे प्लस टू के. तो ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए फोर आई माइनस टू जे माइनस टू के बी सी इक्वल टू ओ सी माइनस ओ बी इक्वल टू माइनस सिक्स आई प्लस सिक्स जे सी डी इक्वल टू ओ डी माइनस ओ सी इक्वल टू माइनस सिक्स जे प्लस के. एट बी क्रॉस ए बी डॉट बी क्रॉस सी इंटू सी डी फोर डिटर्मिनेंट फॉर्म में फोर माइनस टू माइनस सिक्स सिक्स जीरो जीरो माइनस सिक्स सिक्स. आफ्टर सॉल्विंग डिटर्मिनेंट बी गेट ए बी डॉट बी सी क्रॉस सी डी इक्वल टू जीरो हेंस पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर को प्लेनर. ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर. ए प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग थ्री नॉन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर. There are two types of triple product such as scalar triple product and vector triple product. Scalar triple product, let three non-zero vectors A, B and C, then the product A dot B cross C is called scalar triple product. Vector triple product, let three non-zero vectors A, B and C, then the product A cross B cross C is called vector triple product, that is A cross B cross C equal to A dot C B minus A dot B into C. Scalar triple product, in terms of vector component, let three non-zero vector A, B and C are expressed as A equal to AX I plus AY J plus AZ K, B equal to BX I plus BY plus BZ K, C equal to CX I plus CY J plus CZ K. Therefore, B cross C equal to in determinant form I J K, BX BY BZ, CX CY CZ. After solving, we get I BY CZ minus BZ CY minus A BX CZ minus BZ CX प्लस के बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी जेड. अब बी क्रॉस सी मल्टीप्लाइड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी देयर फोर ए एक्स बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई माइनस ए वाई बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स प्लस ए जेड बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स.
In determinant form, A dot B cross is given as AX, AY, AZ, BX, BY, BZ, CX, CY, CZ, which represent scalar triple product as determinant of rectangular component of vector. Properties of scalar triple product of vector. First, position, dot and cross can be interchanged without any change in value of scalar triple product. A dot B cross C equal to A cross B dot C. Second, a cyclic permutation of three vector does not change the value of scalar triple product, that is A dot B cross C equal to B dot C cross A equal to C dot A cross B. Third point, scalar triple product of unit vector I, J, K along X, Y and Z axis as represented in X axis I, in Y axis Z, in Z axis K. So ij equal to I dot j cross k equal to I dot I equal to 1. Similarly, j cross j k I equal to 1 and I k j equal to 1 also. Properties of vector triple product. S pahla associative law does not hold for vector triple product A cross B cross C equal to A dot C B minus A dot B into C. Now A cross B equal to minus C cross A dot B equal to minus C dot B A minus C dot A into B. From equation first and second, it is clear that A cross B cross C does not equal to A cross B cross C. Second, vector triple product holds Jacobi identity. A cross B cross C plus B cross C cross A plus C cross A cross B equal to 0. Gradient of a scalar field. In vector physics, gradient refers to a vector field describe how a scalar quantity changes in space and used to represent the spatial variation of a scalar field. Let us consider a scalar field in which phi function of x, y, z is a scalar point function, that is, a scalar quantity depends on position vector x, y, z. Let change in position by a small amount dx, dy, dz, then position become x plus dx, y plus dy and dz plus dz, then the corresponding change in phi can be obtained using partial derivative theorem as follows. Phi is equal to del phi by del x dx plus del phi by del y dy plus del phi by del z dz, where phi is the total change value of from position x, y, z to x plus dx, y plus dy, z plus dz. Position vector of point function x, y, z is, let r equal to x I plus y j plus z k. Change in position is equal to dx I plus dy j plus dz k. Therefore, equation first becomes del phi is equal to del phi by del x I plus del phi by del y j plus del phi by del z k into dx dy dz. Therefore, d phi is equal to del phi. The quantity del phi is called gradient of phi. Therefore, grad phi is equal to del phi by del x I plus del phi by del y j plus del phi by del z k. Example of gradient in physics. In a conservative field, force F is represented as gradient of potential energy U, that is F equal to minus del U. This equation holds for both gravitational and electrostatic field. Second, electrostatic field E is represented as gradient of electrostatic potential, that is E equal to minus grad phi. Divergence of a vector field. The divergence of a vector field describes the net flux of vector field leaving or entering a small volume within the field. Consider a vector field in which a vector A is a continuously differentiable vector point function expressed as a function of x, y, z in three component x, y and z. Vector A is given AX plus AY plus AZ. Therefore, divergence A is defined as del by del XI plus del Y by del Z K plus del by del Z K dot AXI plus AYJ plus AZ K. Therefore, divergence A equal to del AX upon del X plus del AY upon del Y plus del AZ upon del Z. From AY equation, it is clear that divergence of a vector function A is itself a scalar del dot A. Solenoidal vector function. A vector function A is said to be solenoidal if divergence A equal to 0. Curl of a vector field.
इन वेक्टर फिजिक कर लीजिए वेक्टर ऑपरेशन दैट डिस्क्राइब द रोटेशनल बिहेवियर ऑफ ए वेक्टर फील्ड एट ए गिवन पॉइंट इन स्पेस. कंसीडर ए वेक्टर फील्ड इन विच ए वेक्टर ए इज कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन एक्सप्रेस्ड एज ए इक्वल टू ए एक्स एक्स वाई जेड प्लस ए वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड प्लस ए जेड फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. Therefore, curl of vector A is defined as curl A is equal to del cross A, I, J, K, del y, del x plus del y, del by del z, A, x, A, y, A, z. After solving determinant, we get curl A is equal to del A, z but del y minus del A, y, by del z, I plus del A, x upon del z minus del A, z but del x, J plus del A, y, by del x minus del A, x but del y, K. The term rotation is also sometimes used for curl. A vector field for which curl is zero is called irrotational. That is, if curl A equal to zero, that is, A is irrotational. If curl A equal to does not equal to zero, that is, A is rotational. Important attitude. So after solving the physics numerical, there are some physical identities. First, divergence A plus B is equal to divergence A plus divergence B, curl A plus B is equal to curl A plus curl B, divergence phi A is phi divergence A plus A grad phi, divergence A cross B is equal to B curl A minus A curl B, curl phi is equal to phi curl A minus A grad phi, curl A cross B is equal to B dot del A minus A dot del B plus A divergence B minus B divergence A. Next, divergence grad phi is equal to del square phi, divergence curl A equal to 0, curl grad phi equal to 0, curl curl A is equal to grad divergence A minus del square A. Next example, if R is a position vector expressed as R is equal to xi plus yj plus zk, इस position के लिए हम grad phi divergence और curl को calculate करेंगे. First, R is equal to x square plus y square plus z square का whole की power 1 by 2, तो grad r del r del by x by del by del xi plus del by del y j plus del by del zk x square plus y square plus z square की power 1 by 2, I del by del after differentiation we get del by del x equal to 1 upon 2x square plus y square plus z square power minus 1 by 2 into 2x equal to x by r. Therefore, similarly del by del y equal to y by r, del by del z z by r. So therefore, gradient r equal to x by r I plus y by r j plus z by r k equal to 1 upon r x I plus y j plus z k is equal to r upon r into r unit vector. Divergence r is equal to delta del x del by del x I plus del by del y j plus del by del z k, x ki value x I plus y j plus z k, therefore del x upon x plus del y upon y plus del by del z 1 1 1 3. Curl r del dot r equal to I, j, k, del by del x, del by del y, del by del z, x, y, z. After solving determinant, we get curl r equal to 0. Vector integration. Vector integration follow the rules of integration of function of integral calculus. In physics, there are three types of vector integral. Line integral, surface integral, and volume integral. Line integral is represented in figure. X-axis, y-axis and z-axis, a path p1 to p2, a small element is dl. So line integration of vector along line or curve is called line integral. Let a function of x, y, z is a vector function defined on a curve from p1 to p2 in a vector field on which vector is to be integrated. If A is continuous vector function along a curve, then dl is length element on this curve drawn from point A, x, y, z to V, x plus dx, y plus dy, z plus dz, then dl is equal to dxi plus dyj plus dzk. If A equal to axi plus ayj plus azk, then line integral is given as P1
P1 to P2, integration of A dot DL equal to P1 to P2, A dot B equal to AB cos theta जानते हैं, उसी से A into DL cos theta equal to P1 P2, AX DX plus AY DY plus AZ DZ. Line integral around a closed curve is expressed as a closed integration of A into DL. Surface integral. Consider the field of a continuous vector point function A. Vector point function A, x, y, z, and S is the surface of any arbitrary shape. B can divide into large number or infinitesimal of area ds. For such element, area vector ds is defined as a vector of magnitude ds, direction along outward normal as shown in figure. If A is a value of vector point function at center of ds, then quantity A dot ds equal to flux of A through ds equal to d phi. Integration of A dot ds over entire surface is called surface integral of A over surface S. If represent flux of A through entire surface S, since surface integral is a two-dimensional quantity, is represented by double integration, that is surface integration A dot ds, double integration A dot ds equal to phi. Volume integral, let consider a cubic which volume dv equal to dx dy dz, then volume integral of A over volume B is defined as volume integration A dot dv equal to integration of volume A dot dv. In terms of Cartesian component, A equal to axi plus ayj plus azk and dv equal to dx dy dz. So volume integral is given as integration of ax dx dy dz plus j ay dx dy dz plus k az dx dy dz. For scalar point function phi x y z, the volume integration is given as integration of phi dx dy dz. Gauss divergence theorem. This theorem establishes relation between a surface integral of a vector and a volume integral of divergence of vector. Statement: the surface integral of a vector over a closed surface S equal to the volume integral of divergence of vector over the volume B enclosed by surface, that is surface integral A dot ds equal to volume integral del dot A into dv. Hence this theorem converts a volume integral to surface integral and vice versa. Stokes theorem. This theorem relates the surface integral over an open surface to the line integral around the curve bound surface. Statement: the surface integral of a curve of vector A over an open surface S is equal to the line integral of vector along around the curve C binding the surface as a perimeter, that is surface integral curl A dot ds equal to closed integral A dot dl is equal to surface integral del cross A dot ds is equal to line integral A dot dl. Hence, this theorem converts surface integral into line integral and vice versa. Green theorem. This theorem may be stated as follows. If S is a closed region in the xy plane bounded by a simple closed curve C and P and Q are continuous function of X and Y having continuous derivative in region there, then line integral P dx plus Q dy is equal to surface integral del Q by del X minus del P by del Y dx dy, where line integral counterclockwise around the boundary of areas. Green theorem in the plane is a special case of Stokes theorem. Gauss divergence theorem is a generalization to Green's theorem. In plane is replaced by region B and is closed boundary surface S. Thank you.